जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद। अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत मंडली के दीदियों का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची है और उप राजधानी दुमका है तो पांच प्रगणा की क्षेत्र की राजधानी हमारा यह बुंडू है, बुंडू बुंडू। और पांच प्रगणा क्षेत्र के रांची कहे जाने वाले इस उजलान की ऐतिहासिक धरती में पहली बार टाइगर जयराम जी का आगमन हुआ है। सर्वप्रथम पांच प्रगणा क्षेत्र की ओर से हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ आपके इस जन सैलाब और बुंडू के पावन धरती में बदलाव संकल्प महासभा में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि की रूप में उपस्थित है हमारे क्रांतिकारी रिजवान भाई, हमारे साथी संघर्ष के संजय मेहता जी, पार्टी के महासचिव फरजान खान जी और इस क्षेत्र के नेत्री दमयंती मुंडा जी, और साथ ही साथ उपस्थित प्रशासन के बंधुगण, मीडिया के साथीगण और जहां तक मेरा आवाज जा रही है तमाम ऑटो वाले साथीगण, ठेला वाले साथीगण, सबको इस मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक झारखंडी जोहार करते हैं, जय झारखंड करते हैं। 24 साल के झारखंड के जितना भी उपस्थित है सभी के आज पूछे कर कोशिश करना है कि आखिर हमारे के झारखंड प्रदेश के गठन कहा जा रहे हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ा कि अलग झारखंड राज्य मिले, क्या दिक्कत था जब हम बिहार में थे तो कि अलग झारखंड राज्य के लिए अजलम्बा संघर्ष करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा और आज अलग झारखंड राज्य जिस माटी भगवान बिरसा मुंडा की माटी है, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। आखिर क्या 15 नवंबर को ही क्यों हुआ, तो 15 नवंबर को झारखंड प्रदेश का गठन इसीलिए कि जो 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। क्यों, कौन थे बिरसा मुंडा? अरे बिरसा मुंडा वो बिरसा मुंडा अबुआ बिसुम अबुआ राज, और वही अबुआ बिसुम अबुआ राज का सपना साकार करने के लिए इस राज का गठन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अवसर पर हुआ। तो आज हुआ क्या हलक का, अबुआ बिसुम अबुआ राज का स्थापना हलक हुआ क्या, हुआ क्या? अबुआ बिसुम अबुआ राज मैंने किया कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी, झारखंड में झारखंडी आदिवासी मूलवासी का जल जंगल जमीन का संरक्षण, झारखंड के आरक्षण नीति का पूर्णतः पालन करना।
ऐसा हुआ क्या? आज 740 नीति के तहत राज के नौकरियों को बेचा जा रहा है। मैं तमाम जन सैलाब से पूछना चाहता हूँ, 740 चंदों का हाथ खड़ा करके बोलिए, 740 चंदों का, अरे 740 चंदों सही था। अगला किसान अगला राजा स्थापित कौन कर सकते हैं? टाइगर जयराम बसो कौन कर सकते हैं? हाँ, हाथ खड़ा करके बोलिएगा, अगला किसान अगला राज स्थापना कौन कर सकते हैं? बताइए, चाहते हैं, क्योंकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेपी के अध्यक्ष कोई कार्यालय से फरमान जारी नहीं करता है कि कौन विधानसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होगा। ये जन सैलाब से पूछना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम का नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए, बताइए। और यहाँ के बुंडू ब्लॉक, तमार ब्लॉक, रहे सुनाहतू सिल्ली ब्लॉक की बात करें तो बिना पैसा का जमीन का कागज का एक सुधार भी नहीं होता है। हॉस्पिटल हम लोग को नहीं चाहिए, चाहे आसपास का तमाम थाना हो, बुंडू की सिल्ली सुनाहतू रहे थाना हो, जिस थाना कहने के बावजूद आप लोग ने कमाल को बाहर संभाला था, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन इस एकजुटता को, इस हम लोग का जागरूकता को बचाए रखना है और विश्वास के साथ, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, मुंडा समाज के हो, हो समाज के हो, उराव खड़िया समाज के हो, कोई कुशवाहा साहू समाज के हो, सभी समाज के लोग हम पहचान सकते हैं। चाहे खतियान के नीति की बात हो, चाहे नियोजन की नीति की बात हो, चाहे पुनर्वास नीति की बात हो, हर एक नीति लागू करके इस कलम से दिखाने का काम करेंगे। इसलिए सभी को एक बार हाथ खड़ा करके एक बार कहिएगा, जय झारखंड, जय झारखंड। दादा सब हाथ उठाए के, जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, किस लिए झारखंड, लड़के लिए झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक साथी आए हैं जो पंचायत समिति पंचायत सचिव के आंदोलन में बहुत अहम रोल किए थे, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 3200 नौकरी जो स्टूडेंट हो चुका था, इन्होंने पूरा सदन से लेकर सड़क से लेकर अपना जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन करके पंचायत सचिव को नियुक्ति दिलाया और आज हमारे बीच आए हैं, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ सिल्ली विधानसभा और तमाल विधानसभा के जितने भी उपस्थित है सभी से अपील करना चाहेंगे कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस चुनाव में चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, सब पार्टी को करारा जवाब दे करके अपने क्षेत्र में अपने विधायक को बहुमत से जिताना है। क्योंकि हम लोग टाइगर जयराम के अगुवाई से पूरे आधिकारिक रूप से जब 55-60 सीट का टाइगर जयराम जी घोषणा किए हैं, जरूरत पड़े तो और सीट बढ़ाया जाएगा और एक
एक सीट को जिताने के लिए आज देवेंद्र नाथ महतो अपना घर का त्याग किया है, अपना बाल नहीं कटाने का संकल्प लिया है। तो निश्चित ही जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर शहीद भी होना पड़े इस झारखंड का बदलाव के लिए तो तैयार है। हम लोग किसी से गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। ये चुनाव झारखंड प्रदेश में हम लोग अपने बुजुर्गों से निवेदन होगा कि एक बार सब कोई मतदान के रूप में 2024 में हम लोग को साथ दीजिए। हम लोग